कुरुक्षेत्र पुलिस ने सट्टा खाईवाली करने के दो अलग अलग मामलों में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,340 रुपए किए बरामद। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने सट्टा खाईवाली करने के अलग अलग मामलों में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र की सीआईए वन की टीमों ने अलग अलग मामलों में सट्टा खाईवाली करने के आरोप में संजीव पुत्र रामजी लाल वासी पटियाला कॉलोनी थानेसर, करण कुमार पुत्र संजय कुमार वासी गुरु गोविंद गली चक्रवर्ती मोहल्ला थानेसर, शुभम पुत्र राजेश वासी विश्वकर्मा कॉलोनी थानेसर व अनिल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र पन्नू राम वासी राजू साहिद मोहल्ला छोटा बाजार थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 4,340 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को प्रभारी सीआईए वन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार जयपाल सिंह व मुख्य सिपाही अनिरुद्ध की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटियाला बैंक कॉलोनी एफसीआई गोदाम के पास से संजीव पुत्र रामजी लाल वासी पटियाला कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को एक जगह सट्टा खाईवाली करते हुए 1,160 रुपए सहित काबू किया और सहायक उप निरीक्षक सुदेश कुमार सुधीर कुमार नरेश कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के पास से करण कुमार पुत्र संजय कुमार वासी गुरु गोविंद गली चक्रवर्ती मोहल्ला थानेसर को सार्वजनिक स्थान छोटे लाल पार्क में सट्टा खाईवाली करते हुए 1,120 रुपए सहित काबू किया और हवलदार भजन सिंह पवन कुमार एसपीओ गुरदेव सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बस स्टैंड थानेसर के पास पहुंचकर शुभम पुत्र राजेश वासी विश्वकर्मा कॉलोनी थानेसर को एक जगह सरेआम टैक्सी स्टैंड थानेसर में सट्टा खाईवाली करते हुए 1,040 रुपए सहित काबू किया और पीएसआई जसवीर सिंह उप निरीक्षक कृपाल सिंह और मुख्य सिपाही भजन सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मा चौक थानेसर के नजदीक पहुंचकर अनिल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र पन्नू रामवासी राजू शाहिद मोहल्ला छोटा बाजार थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को एक जगह सरेआम सट्टा खाईवाली करते हुए 1,020 रुपए सहित काबू किया। आरोपियों के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में अलग अलग मामले दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 4,340 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चारों आरोपियों को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने सट्टा खाईवाली करने के दो अलग अलग मामलों में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,340 रुपए किए बरामद। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने सट्टा खाईवाली करने के अलग अलग मामलों में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र की सीआईए वन की टीमों ने अलग अलग मामलों में सट्टा खाईवाली करने के आरोप में संजीव पुत्र रामजी लाल वासी पटियाला कॉलोनी थानेसर, करण कुमार पुत्र संजय कुमार वासी गुरु गोविंद गली चक्रवर्ती मोहल्ला थानेसर, शुभम पुत्र राजेश वासी विश्वकर्मा कॉलोनी थानेसर व अनिल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र पन्नू राम वासी राजू साहिद मोहल्ला छोटा बाजार थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 4,340 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को प्रभारी सीआईए वन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार जयपाल सिंह व मुख्य सिपाही अनिरुद्ध की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटियाला बैंक कॉलोनी एफसीआई गोदाम के पास से संजीव पुत्र रामजी लाल वासी पटियाला कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को एक जगह सट्टा खाईवाली करते हुए 1,160 रुपए सहित काबू किया और सहायक उप निरीक्षक सुदेश कुमार सुधीर कुमार नरेश कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के पास से करण कुमार पुत्र संजय कुमार वासी गुरु गोविंद गली
चक्रवर्ती मोहल्ला थानेसर को सार्वजनिक स्थान छोटे लाल पार्क में सट्टा खाईवाली करते हुए 1,120 रुपए सहित काबू किया और हवलदार भजन सिंह, पवन कुमार एसपीओ गुरदेव सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बस स्टैंड थानेसर के पास पहुंचकर शुभम पुत्र राजेश वासी विश्वकर्मा कॉलोनी थानेसर को एक जगह सरेआम टैक्सी स्टैंड थानेसर में सट्टा खाईवाली करते हुए 1,040 रुपए सहित काबू किया और पीएसआई जसवीर सिंह, उप निरीक्षक कृपाल सिंह और मुख्य सिपाही भजन सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मा चौक थानेसर के नजदीक पहुंचकर अनिल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र पन्नू रामवासी राजू शाहिद मोहल्ला छोटा बाजार थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को एक जगह सरेआम सट्टा खाईवाली करते हुए 1,020 रुपए सहित काबू किया। आरोपियों के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में अलग अलग मामले दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 4,340 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चारों आरोपियों को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया है।